जो ये कहते हैं ना कि ये जो आंदोलन है सिर्फ जाटू का है या ये कुंभ का ऐसा नहीं है, ये समर्थन देने के लिए आए हैं। बीजेपी ने गुंडे जो पाल के रखे हैं तो इसीलिए देर हो रही है। अगर आम आदमी होता तब तक जेल में होता। तब क्यों नहीं आ रहे अमित शाह जी, क्यों नहीं इसको गिरफ्तार करवा रहे? जब सरकार ऑर्डर देगी जब तो गिरफ्तार होगा, ये क्यों नहीं कर रहे? सरकार इसी ने छुपा रखा है। ये जो है गोटका से आए हैं, ये सरपंच हैं गोटका के, इनका नाम क्या है भाई? ठाकुर जगत राम जी। जो ये कहते हैं ना कि ये जो आंदोलन है सिर्फ जाटू का है या ये कुंभ का ऐसा नहीं है, ये समर्थन देने के लिए आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया इस केस को, कैसे देखते हैं? वो अभी बात करेंगे, जो सारे सरफराज चौधरी आए अभी बात करेंगे उसके बारे में। मुरादाबाद, मुरादाबाद। तो क्या लग रहा है इन बेटियों को न्याय मिल जाएगा? न्याय मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। कैसे न्याय लेंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केस को रद्द कर दिया। नहीं कुछ नहीं होगा उस टाइम। कहाँ से आए सर? कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। तो देख लीजिए आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है और तमाम भीड़ है यहाँ पे, लोग एकजुट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे आए हैं बेटियों को समर्थन देने के लिए। आप चारों तरफ अपनी भीड़ देखिए और आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेटियाँ किस तरह से धरने पे बैठी हुई हैं लगातार, और ये महिलाएं बैठी हुई हैं। मैम कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद से। तो क्या लग रहा है कि इन बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? बीजेपी ने गुंडे जो पाल के रखे हैं तो इसीलिए देर हो रही है। अगर आम आदमी होता तब तक जेल में होता। 38 से 40 मुकदमे दर्ज हैं उसके बाद भी कार्रवाई में इतना विलम्ब क्यों? यही गुंडागर्दी है, इसी को गुंडागर्दी कहते हैं। अगर आम आदमी होता तो जेल में होता, वही कह रहे हैं, वही बात है। तो क्या बीजेपी गुंडों को सह दे रही है? बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल। तभी आज गुंडे शरेआम घूम रहे हैं। तो आप जिस तरह से देख पा रही होंगी लगातार बेटियां धरने पे बैठी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये रेस्लर्स हैं इनके कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होगी, हम लोग अपने आंदोलन को इस ऊंचाई तक ले जाएंगे कि इन लोगों को, इन गुंडों को ठिकने घुटने टेकने पड़ेंगे। कहाँ से आई है सर? कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? मैं सोनीपत से आया हूँ, हरियाणा सोनीपत से, और नरेंद्र राव मैं जनता कल्याण मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। बोलो जी। तो क्या लग रहा है इन बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम बैठे रहेंगे, और कहाँ जाएंगे? ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ से आए? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, अलीगढ़ से, और मैं अपनी बहनों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, धूप बारिश और ठंड को सारा किसान जो बैठता है ना, वो गर्मी और ठंड को धूप नहीं देखता है, वो कौन पसीना एक करके मेडल ले जीत के लाइए। बहन आप अगर मेडल जीत के लाते हो और आपके साथ ये अन्ना किया जाए तो आप क्या सहन पाओगे? बताइए, ये सरकार वह इसको बचाना चाहती है, बचाने का काम किया है सरकार ने। क्यों बचाना चाह रही है ब्रजभूषण को सरकार? क्योंकि उसका आदमी है, उसके पार्टी का आदमी है, वो उसमें बीजेपी में शामिल है, ये ब्रजभूषण शामिल है, ये उसको बचाने का काम किया। ये बोलते है ना, अगर मोदी जेपी नड्डा अगर बोलेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, और ये भी बोल रहे कि मैं आरोपी नहीं हूँ, ये दो बात बोल रहे हैं। बोला कि ब्रजभूषण ने बोला है कि अभी तक पुलिस मेरे पास नहीं आई है। ये पुलिस जब जेपी अमित शाह के अंडर में, अमित शाह ऑर्डर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं आ रहे अमित शाह जी? क्यों नहीं इसको गिरफ्तार करवा रहे? जब सरकार ऑर्डर देगी जब तो गिरफ्तार होगा, ये क्यों नहीं कर रहे? सरकार इसी ने छुपा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को रद्द कर दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज जब तक इसको अन्याय नहीं देगी, जब तक इसको गिरफ्तार नहीं करेगी, जब तक हम नहीं जाएंगे। ये तो अभी ये यूपी में मैं 10:30 बजे आया, मेरे को कुछ नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने रोक लगाया, हम बैरियर तोड़ के आए यहाँ पे है। ये पूरे भारत का नाम है, पूरे देश का धन्ना है, पूरे देश क्या करे, हम नहीं आने देंगे, देश पर धब्बा नहीं लगने देंगे, इस देश को हम ये अन्ना शरीफ साहब दिलवाना चाहेंगे, उसके आरोपियों को जेल में डलवाना चाहते हैं हम। और मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को, योगी जी बोलते ना आरोपी पकड़ा जा रहे, अगर ये विभूषण आरोपी नहीं है ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? बताइए इसका क्यों बचाने काम कर रही है? आप देख सकते हैं आंदोलन पूरी तरीके से उग्र हो चुका है, तमाम किसान। मैम कहाँ से आई है? मैं पश्चिमी दिल्ली से। तो क्या लग रहा है इन बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखिए न्याय में देरी जो हो रही है ना, ये हमेशा से आपको बताया
जाए, चाहे वो तीन कानून किसानों के रहे हों और चाहे वो और भी जो आज तक केस होते आए हैं, चाहे निर्भया केस हो चाहे हाथरस हो, हमेशा देरी होती रही है। और जब तक पब्लिक धरना नहीं देती, जब तक अपोजिशन वाले इंटरफेयर नहीं करते वहाँ पे आगे, और तब तक सिंहासन नहीं हिलता। तो क्या यही अमृतकाल है जहाँ पे फूल माला चढ़ा के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, उसी अमृतकाल की बात की जा रही थी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है तो आप ऐसे में उनसे उम्मीद क्या करेंगे? जो जब जो दोषी है उनको आप उनको छोड़ रहे हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? मैं भाई दासा गांव दिल्ली से ही आया हूँ। तो इस जो बेटियां बैठी हुई हैं आज पिछले 14-15 दिनों से, न्याय में इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखो भाई, न्याय देना है सरकार का काम, न्याय देना है कोर्ट का काम, हमारा काम तो झगड़ा करना है, देना करते हैं। हम तो न्याय की आस नहीं आए बेटे, हम यहाँ सिर्फ न्याय पाने के लिए आए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया इस केस को, कैसे देखते हैं भाई? वो कुछ भी रद्द कर सके हैं, ठंड है, लाठी वाला है, यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी देश। यहाँ कोई मतलब दो तरह के नियम हैं, आम आदमी के लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून अलग है।